उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में एक महिला से अभद्रता करने का आरोपी श्रीकांत त्यागी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। श्रीकांत की एक गाड़ी पर विधायक का स्टिकर लगा हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि ये स्टिकर उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था, जो पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार में मंत्री थे। श्रीकांत को स्वामी प्रसाद मौर्य का करीबी माना जाता है। नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया और ये कहा कि ये स्टिकर श्रीकांत को उन्होंने ही दिया था। हालांकि पुलिस ने इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा और श्रीकांत की गिरफ्तारी के बाद उसे लेकर कोर्ट में पेश करने चली गई। नोएडा की सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने के बाद फरार हुआ श्रीकांत त्यागी आखिरकार मेरठ में पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। नोएडा पुलिस की एक टीम ने मेरठ से उसे गिरफ्तार किया। इससे पहले श्रीकांत ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी थी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अगली तारीख के लिए 10 अगस्त तक का वक्त दिया था। श्रीकांत 25,000 का इनामी था और पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि श्रीकांत की गिरफ्तारी के लिए प्रदेश में कुल 40 टीमों को लगाया गया था, जो अलग अलग जिलों में उसे खोज रही थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मंगलवार को ताजिया जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। दरअसल मिर्जा मुराद इलाके में ताजिया के जुलूस के दौरान डीजे बजाने का मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान दो गुटों के बीच आपस में बहस हुई और स्थिति तनावपूर्ण बन गई। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने तत्काल स्थितियों को संभाला और मामले को शांत कराया। तनाव की स्थिति को देखते हुए मिर्जा मुराद में भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। वहीं ताजिया जुलूस के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। बिहार में एक बार फिर एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। बीजेपी के साथ अब तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने अपनी सरकार का स्वरूप बदल दिया है। पहले नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब बीजेपी से बगावत करते हुए उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे एक अच्छी शुरुआत कहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि 9 अगस्त के दिन देश में आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, इसी तरह बिहार में जो भी हुआ वो एक अच्छी शुरुआत है। अखिलेश ने यह भी कहा कि देश के लोग ये तय करें कि देश से भाजपा का सफाया होगा। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के शेखपुर गांव में पुलिस ने मंगलवार को सख्त सुरक्षा इंतजाम कर रखे थे। कारण, यहां पे रघुराज प्रताप सिंह के पिता उदय प्रताप सिंह की ओर से मुहर्रम के जुलूस के विरोध का था। बताया जा रहा है कि मुहर्रम के जुलूस को देखते हुए यहां पर सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह के पिता उदय प्रताप सिंह ने बीते दिनों तहसील परिसर में यहां बने मुहर्रमी गेट के विरोध में धरना शुरू किया था। जब यहां पर मुहर्रम के दौरान हालात बिगड़ने की स्थिति आई तो पुलिस ने उदय प्रताप सिंह को उनके महल में नजरबंद कर दिया। मंगलवार को भी उदय प्रताप सिंह अपने घर में नजरबंद रहे। वहीं शेखपुर गांव में तनाव की स्थितियों को बनने से रोकने के लिए पुलिस यहां पर सख्त सुरक्षा इंतजाम करते रही।